आप देख रहे हैं आंवला न्यूज़। नमस्कार, मैं योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, तीर्थ नगरी ऋषिकेश से। इस समय हम लोग उस महिला के साथ हैं जिस महिला ने तीर्थ नगरी ऋषिकेश का नाम रोशन किया है। हमने अक्सर सुना है कि एक सफल आदमी के पीछे जो है एक महिला का हाथ होता है। अभी इनसे जब वार्ता की हमने तो इन्होंने कहा कि मेरी सफलता के पीछे मेरे पूरे परिवार का हाथ है। ये एक उदाहरण इन्होंने हमारे सामने अभी वार्ता में पेश किया है। आइए हम आपको ले चलते हैं सीधे कात्यायनी शर्मा कंडवाल से, वो क्या कहेंगी। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई है आप लोग किसी जय में निकली हैं। हाँ जी, आप क्या कहेंगी कि कैसे आपको ये सफलता मिली। देखिए, मेहनत तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन मैं इसमें कहूँगी कि मेहनत के साथ साथ मेरे पूरे परिवार का सपोर्ट ने मुझे प्रेरणा दी कि मैं निरंतर प्रयास करती रहूँ, क्योंकि पहली बारी में मुझे सफलता नहीं मिली है। मैंने कई सारे फेलियर्स भी देखे, तो वो फेलियर्स से ओवरकम करके सक्सेस तक पहुँचने के लिए मेरे पूरे परिवार ने मुझे सपोर्ट किया। तो मैं कहूँगी मेहनत और परिवार का सपोर्ट, ये दो चीज़ें हैं जिनके कारण मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। ये मैडम, मेहनत की परिभाषा को हम कैसे गढ़ेंगे, मतलब कितनी देर आपने मेहनत की दिन भर में, कितनी देर? देखिए, मेरे हिसाब से कितने घंटे आप बैठकर पढ़ रहे हैं उससे मैटर नहीं करता, कितनी देर आप, जितनी देर भी आप पढ़ें, आप ध्यान से पढ़ाई करें। चाहे आप दिन में 5 से 6 घंटे ही क्यों नहीं पढ़ रहे, अगर आप 10 घंटे किताब के सामने बैठे हैं लेकिन केवल 2 घंटे आपका ध्यान पढ़ाई पर है, उससे कोई फायदा नहीं है। जी, आपका क्या शेड्यूल होता था मैम, क्योंकि लोग समझते हैं कि मेहनत तो है लेकिन कितनी मेहनत है अभी तक उसकी क्वांटिटी पता नहीं चली, आपकी कितनी मेहनत रहती थी? देखिए, अगर मैं नॉर्मल डे को कहूँ तो मैं 7 से 8 घंटे की पढ़ाई तो करती ही थी, लेकिन इसमें यह होता है कि अब क्योंकि ये मेरा 3 साल का पूरा जर्नी था, तो ऑब्वियसली आप हर दिन 7-8 घंटे नहीं पढ़ सकते। तो जैसे जब फैमिली के साथ इंगेजमेंट्स होती थी, फैमिली में फंक्शन से, तब तो बिल्कुल, लेकिन फिर जैसे ही आप वापस जा रहे हो, जैसे ही आप अपने, जैसे मैं नोएडा में रहती हूँ, तो मैं जैसे ही नोएडा जाती थी तो मैं कोशिश करती थी कि मैं तुरंत वापस से अपना मोमेंटम फिर से शुरू कर दूं। हाँ जी, ज़्यादा बड़ा ब्रेक ना आए, तो जितना भी दिन का ब्रेक लेना है लीजिए और उसके बाद फिर से दोबारा से उस पर लग जाइए। ये मेरा रहता। ये आप क्या प्रेरणा देंगी जो आपके जैसे संघर्ष कर रहे हैं और कभी कभी हतोत्साहित हो जाते हैं, उनके लिए क्या प्रेरणा देंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी, देखिए ये बहुत टफ जर्नी हो जाती है एट टाइम्स, और आपको फेलियर्स का भी सामना करना पड़ सकता है, पर वो फेलियर, जैसे एक सेइंग है ना, फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, तो उसको समझिए कि वो जो फेलियर है वो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जा रहा है। जो आपने गलतियां करी हैं जिनके कारण आप फेल हुए हैं, उनसे सीखिए, उनको दोबारा रिपीट मत करिए, और अगली बार भगवान ने चाहा तो सक्सेस आपकी होगी। हाँ जी मैडम, जैसे कोरोना काल रहा, इस कोरोना काल में क्या हुआ, काफ़ी शिक्षा प्रभावित हुई है, कैसे इसको मेंटेन किया जाए, इसमें आपका क्या अनुभव रहेगा? देखिए, कोरोना ने हमको एक तो टेक्नोलॉजी के लिए हमें बहुत तैयार कर दिया है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जिन लोगों ने कभी पहले ना मोबाइल ना लैपटॉप्स पर काम किया था, आजकल वो आराम से मोबाइल लैपटॉप पर क्लासेस अटेंड, स्पेशली स्टूडेंट्स मोबाइल लैपटॉप्स के थ्रू अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो अभी इंडिया में वैसे तो टेक्नोलॉजी का एक्सेस लोगों के पास बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो हमें धीरे धीरे एज अ सोसाइटी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये ऐसा ही रहा कि कुछ लोगों के पास एक्सेस है कुछ लोगों के पास नहीं है, तो वो बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो उसको करने के लिए एज अ सोसाइटी हमें ज़रूरत है, हम ऐसे स्टेप्स लें कि टेक्नोलॉजी हर इंसान के घर पर पहुँचे, वाईफाई जैसे हो गया हर जगह पहुँचे, ताकि सारे के सारे बच्चे, चाहे वो दुनिया देश के किसी भी कोने में हों। आइए अब हम ले चलते हैं उस परिवार की तरफ जिनके सहयोग से आज जो है कात्यायनी जो है आज जज बन पाई है। सबसे पहले हम उनके पति देव से बात करते हैं, प्रांशु जी हैं। प्रांशु जी, जानेंगे कि उनका कैसा सपोर्ट रहा। प्रांशु जी जरा बताइए आप। देखिए, ऐसा है जब आप इतनी बड़ी परीक्षा के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो पहली चीज़ है कि सपोर्ट, आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है, आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी रहनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई समय मैंने ऐसा देखा कि आपका मोरल टूट जाता है। आपने पहला एग्जामिनेशन दिया, कात्यायनी पहले एग्ज़ाम में सफल नहीं हो पाई थी, 2-3 नंबर से रह गई थी, तो कात्यायनी ने हल्का सा दिमाग में ये चीज़ बनाई, क्या मैं आगे के लिए प्रिपेयर करूँ। मैंने कहा जब आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप 3 नंबर से रही हैं, तो नेक्स्ट टाइम तो आप और अच्छी प्रिपेयर रहेंगी, तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट टाइम आपको निकालना बहुत आसान है। कई बार वो कहती थी कि मम्मी पापा से एक बार आप पूछिए, तो मैंने कात्यायनी की बात, हम सब ने मिलकर कात्यायनी को प्रोत्साहित किया कि आप इसे क्लियर कर सकती हैं। तो उनके ससुर जी हैं शशि कंडवाल जी, उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या सपोर्ट रहा, वो क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है? मैं 15 में मेरे बेटे की शादी हुई कात्यायनी से, और मुझे ये लगा कि किसी ने मुझे बताया था कि ये लड़की जो है आउटस्टैंडिंग है,
और मुझे जब मैंने इनसे बात शादी के बाद मैंने इससे कहा बेटे तुम क्या करना चाहते हो, तो उन्होंने कुछ कहा अपनी इच्छा, तो मैंने कहा बेटे इसके लिए तुम्हें कोचिंग की आवश्यकता है, तो उसके लिए नहीं, मैं रिटायरमेंट हुआ था मेरा, मेरे पास पैसा भी था, मैंने कहा आप चिंता मत करो बेटे, कोचिंग में जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा, लेकिन आपको ये गोल हासिल करना है। फिर मैंने इनका पढ़ाई का तरीका देखा, जब भी पढ़ती थी यहाँ पे आती थी तो इसको पढ़ाई में प्रायः बच्चे टेंशन में रहते हैं, चेहरे से उनका लगता है कि बहुत टेंशन में, लेकिन इस बच्ची को जब भी मैंने पढ़ते हुए देखा ये मस्त होकर पढ़ती थी, खुश होकर पढ़ती थी, तो इसको अपने परिश्रम में ही आनंद मिलता था, तो परिणाम तो स्वाभाविक अच्छा होता। तो मैं ये भी कहता हूँ कि जिन बच्चों ने अपने कार्य में परिश्रम में आनंद प्राप्त किया है उनको निश्चित ही सफलता मिलती है जी। तो इस बच्चे के अंदर मैं एक खासियत देखी थी, इसका पढ़ने का तरीका ही कुछ और था, चाहे 5 मिनट बैठे 10 मिनट बैठे, खुश होकर कंसंट्रेशन से बिल्कुल पढ़ती थी। तो हमारी शुभकामनाएं हैं जी। हमारे साथ जो है कात्यायनी के देवर भी हैं, उनसे भी जानेंगे, अक्षत है इनका नाम, पुणे में जॉब कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उनसे भी जानेंगे उन्होंने अपनी भाभी का कैसे सपोर्ट किया कि आज भाभी जो है जज बन गई है, इनको कितनी खुशी है। हाँ अक्षत जी बताइए। ऑब्वियसली खुशी तो बहुत ज्यादा है, और एक तरह से इस चीज का विश्वास भी था कि भाभी ये चीज निकाली लेगी, क्योंकि भाभी के जिस तरह से भाभी को मजा आता था पढ़ाई करने में, जैसे कईयों का शौक होता है खेलना कूदना, भाभी का शौक था पढ़ना, तो इस कारण उनके लिए ये सफर काफी आसान रहा। और हमने जिस तरह सपोर्ट किया वो यही था कि हमने हर समय उनका मनोबल बढ़ा के रखा, और कभी भी जैसे कई बार उनको ऐसा लगता था कि हमें ये कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, तो हम उनका हर समय उनके दिमाग में ये गलत बात या फिर एक तरह से नेगेटिव थॉट्स आने नहीं देते थे, पूरा सपोर्ट करते थे। जिस समय उनका पिछली बार जब नहीं निकला था तो हमने उनको बिल्कुल ऐसा महसूस करवाया कि आपने जितना करना था आपने कर लिया, अब आगे जाके और अच्छा कर सकते हैं। उनके दिमाग में कहीं आया कि मैं करूं कि ना करूं, लेकिन हमने बोला ना एक बार और करो, और ऑब्वियसली हमको सफलता, एक तरह से हम सबको ही सफलता मिल गई है भाभी के जरिए, तो काफी बढ़िया लगा, काफी अच्छा लगा। ठीक है बोलिए। अगर किसी भी बच्चे में कोई योग करता है और कुछ करना चाहता है और लगता है कि ये बच्चा निकाल सकता है, तो चाहे वो हमारी बेटी हो चाहे बहू हो, दोनों को एक समान समझते हुए निष्पक्ष भाव से हमें उसे सहयोग करना चाहिए। और हम लोग तो खुद ही कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर वास्तव में अगर हम ही इसमें अपने तरफ से आगे पहल नहीं करेंगे तो फिर कौन पहल करेगा। 2015 में मेरे बेटे की शादी कांशु की कात्यायनी से हुई थी जी। और 2015 से ही जैसे उन्होंने कहा, कात्यायनी ने कहा कि मम्मी मेरा मन है कि मैं जज बनूं, तो मैंने कहा बेटा बिल्कुल ठीक है, हमारी तरफ से बिल्कुल तुम तैयारी, मेहनत तुम्हारी है, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, पूरी तरह से हमने सपोर्ट किया है और पूरे परिवार का सपोर्ट रहा है, मेरा अकेला मेरा ही नहीं रहा, और उसमें योग्यता भी थी करने की क्षमता भी थी, उसको करके दिखाया है। ये हम सबके लिए पूरे उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है कि अगर किसी सामान्य सीट में अगर टॉप 2 में कोई बच्ची आ रही है तो सभी के लिए गौरव की बात है। इनकी बातों से लगा कि जहाँ चाह है वहाँ रहा है, अगर किसी आदमी के अंदर चाहत होती है तो वो अपने कठिन परिश्रम के बलबूते जो है वो मंजिल पा लेता है। इसी तरीके से जो है कात्यायनी ने जो है आज अपनी मंजिल पा ली है। अब और संघर्ष है, नौकरी का संघर्ष भी होता है, वो भी है, उसके लिए आंवला डिजिटल मीडिया इनको शुभकामना देता है। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, तीर्थ नगरी ऋषिकेश, देवभूमि उत्तराखंड।